हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद डमास। डमास मींस DMAS। सो वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट डमास इन मैथमेटिक्स। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल, टुडे वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो अबाउट द डमास कॉन्सेप्ट एंड वी विल टेक द कॉन्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑफ डमास। यू ऑल आर फेसिंग अबाउट दीज थिंग्स, यू ऑल आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन डमास। सो टुडे वी विल सॉल्व ऑल द क्वेरीज, ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन डमास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। वी आर हैविंग अ क्वेश्चन हियर। सपोज लेट्स टेक वन क्वेश्चन हियर। Suppose we are having 576 minus 200, then we will take one multiplication, okay? Then we are having 4, then let's take one division here. Okay, and after that we will be having 2 now. Okay, suppose we are having a question 576 minus 200 multiplied by 4 divided by 2. So here we are having some problem, how we will start the solution. So here we have the answer. We have to use Damas here: division, multiplication, addition and then subtraction. So first of all we will take the division, we will do the division. After that we have to take the multiplication process, then we are having the multiplication, then we are having addition. We don't have addition in this question, so leave it. Then we will do the subtraction. Okay, so sabse pehle hum log kya karenge, hum log likhenge is question ko as it is, aur yahan pe hum log lenge again wahi value. और इसमें हमें लिखना है 576 माइनस 200 देन स्पेस देन वी नीड टू यूज मल्टीप्लीकेशन एंड हियर वी हैव सी 4 डिवाइड बाय 2. सबसे पहले हमें डिमाइस में डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो यहाँ डिवीजन में वी आर हैविंग 4 डिवाइड बाय 2. 4 को 2 से जो हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू दैट वी आर हैविंग हियर, दैट इज डिवीजन. सो जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड किया, ओके, हमें डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा, वी विल गेट 2. ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस इज वी हैव टू टेक द मल्टीप्लीकेशन. सो हियर वी हैव द मल्टीप्लीकेशन 200 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, जैसे हम 2 को 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट 576 मल्टीप्लीकेशन, सॉरी 576 माइनस, हमने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों ने 200 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सो वी विल गेट 400. जैसे हम लोगों ने क्या किया था, इस 200 से, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डमास कहता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया, 200 को 2 से मल्टीप्लाई, वी विल गेट 400. नाउ वी डोंट हैव एडिशन, सो लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन. सो हियर वी हैव द सब्ट्रैक्शन 576 माइनस 400. व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 576 माइनस 400, वी विल गेट द आंसर. द आंसर इज 176. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. हियर वी हैव 186. सपोज वी आर हैविंग 186, ओके, स्पेस वी विल टेक अ डिवीजन हियर, देन वी विल बी हैविंग 62 नाउ. ओके, देन वी आर हैविंग प्लस, then we are having 5, then multiply 2. Okay, now let's solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमारे पास में क्या है, देखिए, see, first of all divide
division. We have to take division. So here we are having the division. So we are going to divide these values. हमने इसको divide किया. 186 divided by 62. We will get कितना मिल जाएगा. जैसे ही हम 186 को 262 से divide करेंगे, we will get 3. Okay. Then again we are having some new part. Here we are having 5 multiplied by 2. Then we have to take the multiplication. So we are having 5 multiplied by 2. जैसे हमने 5 multiplied by 2 किया, जैसे ही हमने multiply किया, तो multiply करने से 5 2 से कितना होता है बेटा? 10. Okay. So we are having 10 here. 5 2 is 10. Now we have to use the addition option. So we are having 10 plus 3. So the answer is 13. Very good. Okay. Have you understand? I think सभी को समझ आ गया क्वेश्चन. द मास को किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स कि फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन. कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें. कभी कभी क्या होता है, हम लोग डिवाइड पहले कर देते हैं, कभी कभी गलती से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, या इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो इससे हमारा आंसर क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है. तो उसी लिए हम लोगों को क्या ज़रूरी है, वी नीड डमास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, सम मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व. कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे हम लोग और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें. सो वी आर हैविंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's take, suppose we are having 324, or we will take one more, next question, okay, 540, suppose we are having 540, then we are having multiplication, multiplied by 2, then we are having minus, then we are having 5, then multiply, take the multiplication by 25. Let's take 25 here. Then we are having division of suppose 5. Okay, so here we have question 540 multiplied by 2 minus 5 multiplied by 25 divided by 5. So let's start with the solution. First of all, we have to take the division here. So here we have division 25 डिवाइड बाई 5. जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, ओके, जैसे हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से वी विल गेट 5 से 25. जैसे हमने उसको डिवाइड किया, वी विल गेट 5 एज अ आंसर. देन वी आर हैविंग नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज देन वी नीड टू डू मल्टीप्लीकेशन. सो वी आर हैविंग टू मल्टीप्लीकेशन वैल्यू हियर, 540 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 5. सो वी विल टेक टुगेदर, एक साथ ले लेते हैं, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दोनों को एक साथ जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 540 मल्टीप्लाइड बाय 2, वी विल गेट 1080. जैसे हमने इसको 540 मल्टीप्लाइड बाय किया 2, वी विल गेट 1080. Then we are having next multiplication, that is 5 multiplied by 5. So 5 5s are 25. Now we are having the value 180 minus 25. So jaise hum isko aapas mein multiply minus karenge, we don't have any addition now. So let's do the subtraction of 1080 minus 25. So we will get 1055. Okay. Let's take another question now. One more question we are going to take. इस question का हमने complete कर लिया. एक और question लेते हैं हम लोग फटाफट. See, next question is 324. Then we are having multiplication. Suppose a value that is multiplied by 9. Okay. Then we are having next part, that is division. Then let's take 3. एंड थोड़ा सा और डिफिकल्ट चेंज करते हैं क्वेश्चन में. माइनस 150. ओके, हियर वी आर हैविंग द क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी हैव टू टेक द डिवीजन. सो हियर वी हैव द डिवीजन 9 डिवाइड बाय 3. सो 9 को 3 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 3 3 3 9.
सो जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया हमें क्या मिल गया, जैसे ही डिवाइड करते ही हमें यहाँ पे 3 3 जा क्या मिल गया, इन दोनों को हमने डिवाइड किया और इन दोनों की जगह पे अब क्या आ जाएगा हमारे पास 3, सो 3 3 जा 9, सो वी गट 3 हियर। नाउ अकॉर्डिंग टू द डमास मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू डू, दिस इज द मल्टीप्लायर वैल्यू 324 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब जैसे ही हम लोग 324 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है, जल्दी से देखते हैं। 324 मल्टीप्लाइड बाय 3, हम लोगों ने इसको हटा करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने से हमारी जो वैल्यू आई दैट वी आर हैविंग 972, यानी कि 324 मल्टीप्लाइड बाय 3 वी आर गेटिंग 972। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू द डमास वी डोंट हैव द एडिशन नाउ इन दिस क्वेश्चन, सो वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन, सो लेट्स डू सब्ट्रैक्शन। 972 माइनस 150, 972 को 150 से हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, यानी कि 972 माइनस 150, जैसे ही इसको माइनस किया वी विल गेट 822, द आंसर इज 822। सो इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज, ओके वी आर टेकिंग डिफरेंट क्वेश्चंस, जैसे जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को परेशान करते हैं मैथमेटिक्स में, वी आर टेकिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं डमास के और हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो टुडेज सेशन वी आर हैविंग हियर डमास सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। ओके सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लें जो आपको डराता बहुत ज़्यादा है, आज के बाद नहीं डराएगा क्योंकि आज आप लोगों ने डमास के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन और, 200 ओके माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाय लेट्स टेक 4 हेयर, ओके देन लेट्स टेक डिवीजन, लेट्स टेक 2 एंड देन प्लस देन लेट्स टेक 3 हेयर, ओके हियर वी आर हैविंग द क्वेश्चन, सो लेट्स टेक द डमास, first we have to take the division, so here we have the division 4 divided by 2, okay 4 divided by 2, 4 को 2 से हमने divide किया we will get 2, okay जैसे हमने 4 को 2 से divide किया तो हमें क्या मिल जाएगा 2। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग इस 4 से इस 2 को divide sorry 2 से 4 को divide कर रहे हैं, तो 2 से 4 को divide करते ही हमारे पास value क्या आ जाएगी 2, 2 to the 4, okay। Let's take another point, that is multiplication. So here we have the multiplication multiplier, we are having 50 multiplied by 2. So हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, दोनों को multiply करेंगे, okay? So जैसे ही हम लोगों ने 50 multiplied by 2 किया, ठीक, तो 52 is 100, very good, हम लोग क्या मिल गया 100, जैसे हम लोग के पास 100 आ गया, ठीक, हमने तुरंत डमास की तरफ देखा और डमास कह रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, एडिशन, सो लेट्स टेक द एडिशन, 100 प्लस 3 मींस 103, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी विल गेट 200 देन माइनस 103, ओके और जैसे ही हम लोगों ने इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद क्योंकि एडिशन के बाद हमारे पास डमास क्या कह रहा है, टेक द नेक्स्ट स्टेप, सो नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन, सो लेट्स टेक सब्ट्रैक्शन, लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी आर गेटिंग द आंसर दैट इज 97, वेरी गुड, ओके। तो आई थिंक आप लोग को डमास के जितने क्वेश्चन है, वॉट एवर द क्वेश्चन वी आर हैविंग, जो भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे थे, डरा रहे थे, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द बॉड मास, डमास से बड़ा बॉड मास, ओके सो वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड डमास, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड बॉड मास ऑल्सो, सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी रिलेटिंग टू बॉड मास।